बहुत अच्छा। पांचवी के साथ क्या हुआ ये देखिए। ऑफिस जा रही हूँ, ऑलरेडी लेट हो गई हूँ, 8:30 हो गए हैं, मुझे 9 बजे तक पहुँचना है, तो लेट्स सी टाइम पे पहुँच पाती हूँ क्या। अभी हम लोग निकल गए हैं ऑफिस के लिए, मतलब मुझे ऑफिस जाना है, अंदर नहीं जाने वाला है ना आज, तो ये मुझे ड्रॉप कर देगा, फिर आते समय देखते हैं क्या है, कैसे आऊँगी। और 8:30 बज गई है, 9 बजे तक पहुँचना है, तो लेट्स सी पहुँचते हैं कि नहीं। सुबह ऑफिस तो मैं पहुँच गई थी जैसे तैसे ऑलमोस्ट टाइम पे, और अभी टाइम है घर जाने का, तो हम लोग ऑटो में जा रहे हैं। अपनी एक फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, बीच रास्ते में उतर जाऊँगी और वहाँ से मंदार मुझे पिक कर लेगा। तो आज का दिन तो ऐसे ही था, फटाफट निकल जाता है दिन, ऑफिस जाओ तो पता ही नहीं चलता दिन कहाँ चला गया। अभी बस घर जा रहे हैं ऑटो में, ऑटो राइड मुझे बहुत पसंद है, मैंने अपने एक पुराने व्लॉग में भी बोला था शायद, क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस है, तो ऑटो से जाने का अगर कोई मौका मुझे मिलता है तो वो मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। तो बस अभी घर चलते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है। आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, अभी ऑफिस से आई हूँ, तो ये मैंने पराठे की तैयारी कर ली है, आटा है, इसमें सारे मसाले हैं, मिर्ची, अदरक और आलू भी मैंने आते से ही लगा दिया था बॉईल करने के लिए, तो ये इसी में मैश करके बनाऊँगी ताकि जल्दी से बन जाएगा। और सोच रही हूँ साथ में टमाटर की चटनी बना लूँगी, तो सो दैट फटाफट डिनर सॉर्ट हो जाएगा मेरा। ये टमाटर मैंने कट कर लिए हैं और बस अभी फटाफट से ये चटनी बनाऊँगी, और ये आलू भी मैंने सब पील कर दिए हैं और ठंडे हो गए हैं, तो ये इसमें मिक्स करती हूँ फटाफट, और क्योंकि मैं आटे में ही मिक्स कर रही हूँ तो जल्दी बन जाएंगे। अगर आप प्रॉपर से फिलिंग करके बनाते हो तो थोड़ा टाइम लगता है, तो ये मेरा जल्दी हो जाएगा। उसके बाद मुझे प्लेटफॉर्म भी क्लीन करना है, तो वो भी सब करती हूँ। ये टमाटर की चटनी मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली पराठे वगैरह के साथ बहुत अच्छी लगती है, और मंदार को ये पसंद नहीं थी स्टार्टिंग में, बट फिर मैंने उसको बोला एक बार कि तू खा के तो देख, एंड तब से ही इज़ लाइक कि इतनी कम क्यों बनाती है, ज़्यादा बनाया कर। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ नाउ, एंड आई एम श्योर आप लोग को भी पसंद होगी और आप लोग भी इसको बनाते होंगे। अगर आप लोग को भी पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आटा रेडी, तो अब बस फटाफट से मैं पराठे बना लूँगी। ये हो गए हैं पराठे रेडी, अब बस मैं ये सारा प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन करती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग खाने बैठ जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। हो गया है मेरा क्लीनिंग का सारा काम, और यहाँ पर मैंने खाना भी परोस दिया है प्लेट में, तो अब बिना किसी वेट के फटाफट से खा लेते हैं। तो फटाफट से पूछ लेते हैं कैसा बना है मंदार, और मस्त है। बाय द वे ये तेल नहीं है हाँ, वो टमाटर की चटनी में से पानी निकला है टमाटर में से, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो चलो फिर मैं भी मेरी प्लेट लेके आती हूँ फटाफट। हाँ ठंडा हो जाएगा फिर। हाँ चलो, ये अगले दिन का वीडियो है गाइस, मैं ऑफिस से निकल रही हूँ अभी, और कल रात को डिनर के बाद ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया, हम लोग बस खाना खा के सो गए थे, तो अभी मैं घर जा रही हूँ, मंदार मुझे पिक करने के लिए आया है। ये मेरा ऑफिस है, आप लोग को दिखाती हूँ एक बार रात को ऐसा दिखता है। अभी बस जल्दी से घर चलते हैं। आ गई हूँ मैं घर, चेंज वेंज कर लिया है, और आप देखिए किचन की कैसी हालत हो रखी है, सुबह जल्दी से बस खाना बनाकर मैं निकल गई थी, तो ये कुछ भी मैंने ठीक नहीं किया है, ये बर्तन मुझे जमाने हैं, तो ये सारा क्लीनिंग पहले करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। एकदम बेसिक सा मैंने साफ़ कर दिया, बाकी तो मैं डिनर के बाद डीप क्लीनिंग करूँगी। और इधर मैंने अपनी ग्रीन टी भी पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, तो ग्रीन टी पीऊँगी अब आराम से बैठ के, और उसके बाद फिर डिनर के बारे में सोचेंगे। यार बताए ऑफिस जाओ ना तो इतना थक जाते हैं, आधा टाइम तो ट्रैफिक में वेस्ट हो जाता है, तो ट्रैफिक में और ज़्यादा थक जाते हैं बैठे बैठे गाड़ी में, तो वही हुआ है मेरे साथ, मेरा सर भी दुख रहा है, तो आई थॉट कि पहले ग्रीन टी पीते हैं उसके बाद फिर डिनर के बारे में सोचेंगे। हाँ जी, तो मेरा ग्रीन टी पीना वगैरह हो गया है, और ये देखिए डिनर में मैं क्या बना रही हूँ, आई थिंक आप लोग शायद समझ गए होंगे, ये देखिए पास्ता बना रही हूँ और पहली बार बना रही हूँ, अगर अच्छा बना तो आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखिए गर्मा गर्म पास्ता रेडी हो गया है, बहुत सारी सब्जियाँ मैंने इसके अंदर डाली है,
थोड़ा सा अपना एक ट्विस्ट तो हर कोई डाल ही देता है, तो वो थोड़ा बहुत चेंजेस मैंने किया है रेसिपी में, तो देखते हैं कैसा लगा। तो अब चलिए रिव्यू भी ले लेते हैं कैसा बना है। लाइट ऑन करती हूँ। दिख तो बहुत ही सही रहा है। खा के बताओ कैसा है, फर्स्ट टाइम बनाया है। बहुत अच्छा। सही में ना, मतलब वीडियो के लिए नहीं, नहीं मस्त है। मैंने कॉर्न भी डाला है इसमें, जनरली कॉर्न नहीं होता है बट अपने को पसंद है ना इसलिए डाला है। अच्छा है, डन, बहुत सही है। चलो गुड गाइस, दिस रेसिपी वाज अ हिट, तो मैं बहुत ही जल्दी इसको आपके साथ शेयर करूंगी। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी नेक्स्ट डे हो गया है, कल आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने डिनर किया, उसके बाद कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। आज मैं एक ऐसी रेसिपी बना रही हूँ जो बहुत ही क्विक है और बहुत ही हेल्दी है। उसका नाम सुन के आप जज मत करिएगा, रेसिपी देखिएगा, उसको ट्राई कीजिएगा, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिएगा। तो क्योंकि जो मैं बना रही हूँ वो है वेजिटेबल खिचड़ी। खिचड़ी आई नो बहुत से लोगों को पसंद नहीं होती है, बट ये उस टाइप की खिचड़ी नहीं है, इसको आप पुलाव भी बोल सकते हो, बट थोड़ा सा ना ये मॉइस्ट बनता है तो इसलिए इसको खिचड़ी बोलना ज़्यादा बेटर है। तो इसके अंदर मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स डालूंगी, आपके पास भी जो अवेलेबल है आप डाल सकते हो, और बहुत ही क्विकली बनता है। मतलब आपको सिर्फ चॉपिंग में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा, और अगर आप लोग ऑलरेडी वेजिटेबल्स चॉप करके रखते हो तो आपका काम और जल्दी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाती हूँ क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लगेंगे और बनाना चालू करते हैं। सारे इन्ग्रीडियंट्स दिखा देती हूँ, बहुत सारी सब्जियाँ हैं, बीन्स है, प्याज है, अभी ठंड का सीज़न है तो मटर भी बहुत अच्छी आ रही है तो वो भी है। ये कॉर्न मेरे पास फ्रोज़न था तो मैं वही डाल रही हूँ, अगर आपके पास फ्रेश है तो बहुत बढ़िया है, वो भी डाल सकते हो आप। शिमला मिर्ची है, गाजर है, और ये अदरक है किसा हुआ। इसमें आप कोई भी सब्जी और ऐड कर सकते हो, कोई हटा सकते हो, आपकी चॉइस के हिसाब से आप क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, जैसा भी चाहें वैसा डाल सकते हैं। मसाले में मेरे पास जीरा है, दालचीनी है, तेजपत्ता है, काजू है, ये चक्री फूल जो होता है वो है, लौंग है, बड़ी इलायची, एक्चुअली मेरे पास एक ही बची थी तो इसलिए मैंने ग्रीन इलायची ली है, ये अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप दो ले सकते हो, दैट्स इट। और क्योंकि ये बहुत ही क्विक रेसिपी है तो इसमें कुछ चावल भिगाना एंड ऑल कुछ नहीं है, ये मैंने 1.5 कटोरी चावल बस धोया है जस्ट अभी, और अब क्विकली हम बनाएंगे इस रेसिपी को। तो क्योंकि कुकर में बनाने वाले हैं तो इसको कुछ भी भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये रेसिपी बनाना ही हमको तब है जब हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है और क्विकली हम कुछ बनाना चाहते हैं, और इतनी सारी इसके अंदर सब्जियां हैं तो ये हेल्दी ऑप्शन तो है ही। तो स्टार्ट करते हैं। अभी गैस के ऊपर हमने कुकर रख दिया है और ऑयल डाल दिया है इसके अंदर थोड़ा सा, जैसे ये ऑयल गर्म हो जाएगा इसके अंदर हमको सारे मसाले डालने हैं, तो आई थिंक गर्म हो गया है। अब इसके अंदर मैं सारे मसाले डाल रही हूँ, पहले जीरा डालूँ, उसके बाद तेज़पत्ता डाल रही हूँ, फिर लौंग, और ये सारे मसाले डालना है आपको इवेंचुअली। काजू छोड़ के मैंने सब कुछ डाल लिया इसके अंदर, और इसको भी हम अच्छे से चला लेंगे। इसके अंदर अभी मैं काजू डाल रही हूँ, मैंने तोड़ लिए थे, ये डाल देंगे, और इसको मैक्सिमम 30 सेकेंड्स तक आपको चलाना है, और उसके बाद हम सारे मसाले डालेंगे, सॉरी सब्जियां डालेंगे। तो सबसे फर्स्ट अभी मैं इसके अंदर जो है अदरक डाल रही हूँ, उसके बाद इसके अंदर हम पहले प्याज डालेंगे और उसके बाद फिर सारी सब्जियां मिक्स आके डाल देंगे। डाल रही हूँ बीन्स, गाजर, शिमला मिर्च, सब कुछ एक साथ डालूंगी, मटर भी डाल रही हूँ, अभी कॉर्न नहीं डाला मैंने बस। इसमें ये सब डाल रही हूँ, इसमें हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ा सा सब्जी मसाला है और धनिया पाउडर है, ये डाल दूंगी, और इसके साथ ही हमको इसमें नमक भी डालना है तो वो भी डाल देती हूँ। अब इसके अंदर मैं ये कॉर्न भी डाल रही हूँ। ये देखिए, इन सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है और जितना कलरफुल ये दिख रहा है उतना ही फ्लेवरफुल ये बनेगा। तो बस अब इसी स्टेज पर ये जो चावल मैंने धोए थे 1.5 कटोरी, वो मैं डालती हूँ उसके अंदर, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो चावल डाले थे मैंने इसमें वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब क्योंकि मैंने 1.5 कटोरी राइस लिया था तो मैं ऑलमोस्ट आई मीन 3 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल रही हूँ इसके अंदर, पानी मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया तो वो डाल रही हूँ। सो 1.5 कटोरी के हिसाब से 3 कटोरी पानी डालना है, और आधा कटोरी ज़्यादा और इसलिए डालना है क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी सब्जियाँ डाली है तो उसको भी पानी लगेगा थोड़ा।
सो बेसिकली मैंने 1.5 कटोरी चावल लिया है और जो मैंने पानी डाला है वो 3.5 कटोरी डाला है टोटल। इस स्टेज पर इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ इतना, और अभी ना आप लोग अपनी टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर नमक कम ज़्यादा डाल सकते हो, मिर्ची कम ज़्यादा, आई मीन गरम मसाला कम ज़्यादा, जैसा भी आपका टेस्ट है उस हिसाब से आप डाल सकते हो। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब कुकर को बंद करके इसमें 3 विसल आने तक इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे और बस उसके बाद बंद कर देना है। ये कुकर मैंने लगा दिया है 3 विसल्स के बाद इसको हम बंद कर देंगे, हाई फ्लेम पर रखा है मैंने अभी। तो चलिए आप कुकर को मैं खोलती हूँ, देखती हूँ हो गया आई थिंक, यस इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा बारीक किया हुआ धनिया डाल रही हूँ एंड बस ये हो गया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से एक बार एंड दैट्स इट। ये रेडी हो गया है आपका ठंड में खाने के लिए बहुत ही बढ़िया सी मिक्स वेजिटेबल खिचड़ी। इसके अंदर आप 1 स्पून घी डालिए और खाइए, बहुत मस्त लगेगा। ये देखिए मेरे साथ आज क्या हुआ, जब आप 2-3 काम एक साथ करते हो ना तब ऐसे होता है। मैं एक्चुअली चाय चढ़ाकर 2 मिनट के लिए बाहर गई थी, उतने में मुझे एक कॉल आ गया और मुझे मीटिंग लेना पड़ी, और उस चक्कर में मैं ये भूल ही गई कि मैंने चाय रखी हुई थी। तो ये पूरी चाय उबल के बाहर आके जल के नीचे गिर गई है, तब जाके मुझे स्मेल आई कि क्या हो रहा है, और मैंने यहाँ पर आके देखा तो ये अभी मेरा काम भी डबल हो गया है और चाय भी ख़राब हो गई है। तो चलिए अब इसको साफ़ करती हूँ और चाय दोबारा बनाती हूँ। ये वीडियो संडे का है जब हम लोग मॉल में गए थे और बस यही थोड़े बहुत कुछ गेम्स वगैरह खेल रहे थे। मेनली हम लोग बॉलिंग के लिए गए थे, वहाँ पर बहुत लंबी लाइन थी तो हमारा टर्न आने के लिए बहुत टाइम था, तो थोड़े बहुत इधर उधर के गेम्स खेले और थोड़ा मॉल वॉल में घूम के फिर हम लोग वापस आए। तो ये मेरी चांस आ गई है और मैंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए हर बॉल जो साइड की वो नाली टाइप होती है ना उसके अंदर डाल दी, तो मेरे बस का तो नहीं था ये बिल्कुल भी तो गेम। मैं आई थिंक ये छोटे मोटे जो बच्चों वाले गेम्स रहते हैं वही खेलने के लिए सही हूँ उसी में मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा था। एनीवे हम लोगों ने थोड़े बहुत गेम्स खेले और उसके बाद डिनर करके फिर हम लोग घर चले गए।